हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी कॉमर्स लेक्चरर की जो वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जनरल स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है रिवर्स से, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और बिगेस्ट नदियों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैप्सिकन सागर में गिरती है। कौन सी नदी फ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो वोल्का नदी जो है वो ब्रंस घाटी से होकर गुजरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की जो सभ्यता है उसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी जो है ये कोयला नदी के नाम से जानी जाती है जो कि यूरोप से है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो नील नदी जो है इसका जो उद्गम है यानी जहाँ से ये पैदा होती है ये भूमध्य रेखा के निकट से पैदा होती है। विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंग हो नदी को विश्व की सबसे बड़ी जो है विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को दो बार काटती है। लाल नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो ये वियतनाम से होकर गुजरती है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पे हुआंग हो नदी जो है इसको चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कहाँ पर है? वो है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। पराना तथा परागवे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो नाम है वो है ला प्लाटा नदी, इस नाम से जाना जाता है इन दोनों नदियों को। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो वो नदी है डेन्यूब नदी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नदियां हैं विश्व की जिनके बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।